रामनवमी के पावन अवसर पर रघुवंशी समाज द्वारा भव्य श्री राम रथ यात्रा का आयोजन। श्री राम रथ यात्रा 30 मार्च को दोपहर 12 बजे रघुवंशी कॉलोनी स्थित श्री राम मंदिर से प्रारंभ होगी। आप सभी धर्म प्रेमी जनता सादर आमंत्रित हैं। निवेदक श्री राम जन्मोत्सव समिति इंदौर, सौजन्य से अभिषेक रघुवंशी मित्र मंडल। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पिछले साल शुरू हुए सोनी सब के शो पुष्पा इम्पॉसिबल के कलाकार आज इंदौर पहुंचे और मीडिया से रूबरू हुए। साथ ही पुष्पा धारावाहिक समाज की अशिक्षित महिलाओं के लिए एक मिसाल भी बना। धारावाहिक की जो स्टोरी है वहाँ एक रियल लाइफ स्टोरी है जिस पर यह पुष्पा इम्पॉसिबल धारावाहिक शुरू किया गया है। दरअसल पुष्पा इम्पॉसिबल का प्रसारण पिछले साल जून में शुरू हुआ था और अब ये देश भर के दर्शकों में लोकप्रिय है। इस शो की मजबूत और उत्साही नायिका पुष्पा का किरदार हरफन मौला एक्टर करुणा पांडे निभा रही हैं। गुजरात की रहने वाली और खुद के दम पर एक बिजनेस वुमन बनी 3 बच्चों की माँ पुष्पा की कभी हार न मानने वाली सोच और लाख टके की मुस्कुराहट ने उसे सम्मान दिलाया है। पुष्पा इम्पॉसिबल के एक्टर्स करुणा पांडे, जयेश मोरे और गरिमा परिहार आज इंदौर पहुंची। साथ ही धारावाहिक में हो रहे बदलाव को लेकर मीडिया से चर्चा की। पुष्पा इम्पॉसिबल धारावाहिक स्टोरी और शिक्षित महिला के ऊपर आधारित है। धारावाहिक में पुष्पा का सामना अब उसके अतीत से होने जा रहा है। इस तरह धारावाहिक से जुड़ी कई तरह की बातें कलाकारों ने मीडिया से शेयर की। चाहिए उस वो समझ पाएंगे उसको। मैम, पुष्पा इम्पॉसिबल में क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें देखने को मिलता है? देखिए, एक महिला जो कि 40 क्रॉस कर चुकी है, उसका दोबारा शिक्षण, वो जीवन में क्या कर सकती है आगे, अकेले बच्चों को पाल के भी यहाँ तक आके वो पढ़ाई कर रही है, उसके बाद वो क्या व्यापार में आगे बढ़ेगी, कैसे अपने ऐसे मतलब ऐसे व्यक्ति का सामना करेगी जिससे वो कभी जो उसके पति थे और उसके बच्चों के बाप हैं, लेकिन फिर भी एक उनके बीच में एक क्या बोलते हैं दीवार है बहुत बड़ी, तो कैसे उनका सामना करेगी, कैसे व्यापार में आगे बढ़ेगी, कैसे पढ़ाई करेगी, कैसे बच्चों को अपने साथ संजो के रखेगी, तो बहुत सारी चीज़ें। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।